लग रहा है ना टेस्टी। इस हेल्दी ब्रेकफास्ट को ना केवल हम ब्रेकफास्ट में बल्कि लंच और डिनर में भी खा सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं एक हेल्दी और टेस्टी सा ब्रेकफास्ट। भाई हमें तो बहुत पसंद है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको भी ये जरूर पसंद आएगा। और इसे हम बनाएंगे सूजी और कुछ वेजिटेबल्स को मिलाकर। इसे बनाना भी बहुत आसान है और बहुत जल्दी ये बन भी जाता है। जितनी देर में एक पराठा बनता है ना, उतनी देर में हम इसे भी बना लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं सूजी और वेजिटेबल्स को मिलाकर चीला, या फिर हम इसे पैनकेक भी कह सकते हैं। ये बहुत टेस्टी होता है, हेल्दी होता है और बहुत लाइट भी होता है। यानी अगर आप दो पराठे खाते हैं ना, तो आप आराम से चार चीले खा जाएंगे। और बनता भी सिर्फ 2 चम्मच ऑयल में ही है। और इतना ऑयल तो हमारे शरीर के लिए जरूरी भी होता है ना, क्योंकि ये सोचना गलत है कि सिर्फ ऑयल खाने से ही फैट बढ़ता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लेते हैं ना, तो उससे भी हमारे शरीर का फैट बढ़ जाता है। क्योंकि हमेशा ना बैलेंस वे में ही हमें डाइट लेनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं हमने यहाँ पे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। हमने लिया है 150 ग्राम सूजी, 2 उबले हुए आलू, कुछ हरी बीन्स, आप चाहे तो कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। और मसालों में हमने लिए हैं नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और ये लगभग 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसे हमने बारीक बारीक क्रश कर लिया है। और ये 4 से 5 लहसुन की कलियां हैं, इन्हें भी हमने बारीक बारीक काट करके रख लिया है। तो सबसे पहले हम आलुओं को हाथ से मैश कर लेंगे, या फिर हम चाहे तो इन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम सूजी में गर्म पानी ऐड कर लेंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए, तभी वो बहुत अच्छे चीले बनेंगे। अब हमने यहाँ पर सारा सामान रेडी करके रख लिया है। आलुओं को भी हमने मैश कर लिया है और थोड़े बहुत आलू हमने बीच में मोटे मोटे भी रखे हैं। तो चलिए इस बाउल में ऐड कर लेते हैं सूजी। और सूजी में अब हम ऐड करेंगे धीरे धीरे से गर्म पानी, थोड़ा थोड़ा लेकर के करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, गर्म पानी, पानी हम ठंडा बिल्कुल भी नहीं लेंगे, हम गर्म पानी ही लेंगे। और थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और सूजी में इस पानी को मिक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे हम पानी डालते जाएंगे इसमें, वैसे वैसे सूजी एब्जॉर्ब करती जाएगी। तो हमें भी पता चल जाएगा कि हाँ, सूजी में एब्जॉर्ब हो रहा है पानी। तो फिर हम इसमें नेक्स्ट और पानी मिलाते जाएंगे। एक साथ हम सारा पानी नहीं मिलाएंगे, वरना सूजी गीली हो सकती है, और बहुत ज्यादा एकदम गीली हो जाएगी पानी वाली, तो हमें वैसे भी नहीं करना, क्योंकि हमें सूजी को मेनली एब्जॉर्ब करना है ना, पानी अंदर तक इसमें जाए। और जब इसमें अब अच्छे से ये फूल जाएगी, तो हम इसमें ऐड कर लेंगे बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स। और पानी भी हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन ध्यान रख करके कि हमें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं सूजी बहुत अच्छे से फूल चुकी है, इसने पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हम इसमें मिला लेंगे सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। आज हम इंस्टेंट चीले बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इसमें पानी डाल करके 15 से 20 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमने तो गर्म पानी डाला था ना, और सूजी भी बहुत अच्छे से फूल चुकी है। तो अब हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है आलू और बीन्स, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे कटे हुए लहसुन और अदरक भी। तो चलिए ऐड कर लेते हैं मसाले भी, लेकिन हाँ, मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। नमक हम यहाँ पे लेंगे लगभग 1/4 स्पून। धनिया पाउडर और 1/4 स्पून ही हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर। और अब हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और ट्रे को रख देते हैं हम एक साइड पर। और जैसे ही हम इसे मिक्स कर लेंगे, तो उसके बाद हम ऊपर से गर्म पानी ऐड करते जाएंगे, जितने की हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है उसी हिसाब से। और सिर्फ ध्यान दीजिएगा, हमने गर्म ही पानी ऐड करना है, यहाँ पे ठंडा हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो ये मेरा पानी जो है गर्म है, गर्म यानी गर्म है, बहुत उबला हुआ नहीं, लेकिन गर्म है। हमने जो यहाँ पर 1 ग्लास गर्म पानी लिया था ना, तो देखिए हमने वो सारा का सारा पानी यहाँ पर इसमें ऐड कर लिया है। तो अब हमें 1/2 ग्लास पानी की जरूरत और है,
और हमने यहाँ पर अब आधा ग्लास पानी भी इसमें सारा ऐड कर लिया है। तो लगभग यहाँ पर डेढ़ ग्लास पानी हमारा इस बैटर में रख लिया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल देख सकते हैं, आपको भी सेम ऐसे ही रखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। अब मैं यहाँ पर इस बाउल में 3 सर्विंग स्पून बैटर ले रही हूँ। आपको अगर चीला बड़ा बनाना हो तो आप सर्विंग स्पून 4 से 5 भी ले सकते हैं, और क्योंकि मैं तो एक नॉर्मल पराठे का शेप का बना रही हूँ ना, जैसे एक नॉर्मल रोटी होती है, तो उसके लिए 3 सर्विंग स्पून ही काफी है। तो चलिए अब हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 2 टेबलस्पून तेल। तो ये हमारा जो चीला है ना, या चाहे आप इसे पैनकेक कहें, बहुत टेस्टी बनता है और बहुत हेल्दी भी, और आप देखेंगे इसे बनाना भी कितना आसान है। बैटर को हम बिल्कुल सेंटर में डालेंगे, जैसे मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, और इमीडिएट हम एक स्पून से इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, क्योंकि अगर हम थोड़ी सी भी देर छोड़ेंगे ना तो ये फिर वहां पे जम जाएगा, और इसे तब तक टच नहीं करेंगे जब तक कि ये कॉर्नर से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि अगर हम इसे एकदम पलट देंगे तो ये टूट जाएगा। और हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि तवा हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। तो देखिए अब ये कॉर्नर से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो चलिए इसे पलट लेते हैं। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, गोल्डन ब्राउन, और बिल्कुल भी टूटा भी नहीं है। आपको भी सेम इसी तरीके से ये बनाना होगा। तो अब हम इसको निचले साइड को भी अच्छे से पक लेने देंगे, और अब इसे ऊपर से इस तरह से प्रेस करते जाएंगे ताकि जो इसकी निचले साइड है ना वो भी अच्छे से सिक जाए। लेकिन हाँ, एकदम पलटते ही हमें इसे प्रेस नहीं करना है, वरना ये दूसरी साइड से चिपक जाएगा। थोड़ी सी देर के बाद जैसे हम पलटेंगे, हल्का सा इसे कुक होने देंगे, और जब ये कुक हो जाएगा तो उसके बाद हम इसे प्रेस करते जाएंगे, और इस तरह से उठा करके हम इसे चेक भी कर लेंगे कि ये नीचे से कुक हुआ है कि नहीं। तो देखिए अब ये कुक हो चुका है, तो थोड़ा सा हम और सेकेंगे इसे, और उसके बाद हम फिर से पलट लेंगे दोनों साइड से, अच्छे से इसे फिर से सेक लेंगे, जैसे हम पराठे को सेकते हैं ना दोनों तरफ से, सेम उसी तरीके से। अब अच्छे से प्रेस करने के बाद हम इसे पलट देंगे, और पलटने के बाद देखिए ये बहुत सुंदर लगेंगे। देखिए लग रहे हैं ना बहुत सुंदर, और अच्छे से हम अब इस तरफ से भी इसे प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमने आलू ऐड किए हैं ना, और जब भी किसी चीज में आलू डालते हैं और उसे हम पैन में डायरेक्ट सेकते हैं तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और क्रिस्पी भी आता है। तो बस इसी तरीके से हम इसे प्रेस करने के बाद निकाल लेंगे, और उसके बाद हम सारे के सारे जितने भी पैनकेक्स हैं सेम तरीके से बनाएंगे। अब ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है, तो चलिए इसे उतार लेते हैं। आप यहाँ पर एक बार और देख सकते हैं कि मैंने 2 टेबलस्पून पैन में ऑयल लिया है, और ये 3 सर्विंग स्पून जो मैंने बैटर लिया था ना वो बिल्कुल सेंटर में डाल दिया है, और स्पून से मैं इसे अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ, और अब हम इसके कॉर्नर्स जब तक ब्राउन नहीं हो जाते तब तक वेट करेंगे। तो देखिए अब इसके कॉर्नर्स बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, तो हम इसे पलट लेंगे, है ना कितना सुंदर ये भी। बस सारे के सारे चीले हमारे सेम तरीके से बनते जाएंगे, बस हमें तब तक इसे नहीं पलटना जब तक कि इसके कॉर्नर्स ब्राउन नहीं हो जाते। ये मैं आपको यहाँ पे आलू के पीसेस दिखा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आलू मैश करते समय मैंने थोड़ा बहुत उसमें पीसेस आलू के छोड़ दिए थे, बहुत ज्यादा नहीं थोड़े बहुत। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे ना चीले में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब ये वाला पैनकेक भी बन चुका है, तो इसी तरीके से अब हम सारे के सारे अपने पैनकेक्स तैयार कर लेंगे। तो देखा आपने कितना आसान है ना इन्हें बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस हमें फ्लेम को भी कम रखना है, और दूसरा हमें जो पैन है ना, ये तवा, इसे भी बहुत ज्यादा तेज गर्म नहीं करना है। अगर ये बहुत ज्यादा तेज गर्म हो गया ना तो हमारे जो पैनकेक्स है ना, जितने भी छीले हैं, ये जल जाएंगे और अच्छे से कुक भी नहीं हो पाएंगे। और अब आप देख सकते हैं कि हमने सारे के सारे छीले बना करके तैयार कर लिए हैं, और इन्हें दही के साथ सर्व भी कर लिया है। आप चाहे तो इसे चाय के साथ भी ले सकते हैं, पर भाई हम तो इन्हें दही के साथ खाने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो
तो आप भी इसे प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आज का ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।